गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर अपनी पत्नी समेत तीन बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी, 5 साल के बच्चे और 2 जुड़वा बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात अंजाम देने के बाद अपने साले को फोन किया और बताया कि खुदकुशी वो करने जा रहा है। वारदात के बाद से आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। आरोपी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बेंगलुरु में जॉब करता था। बताया जा रहा है कि जॉब छूट जाने के बाद से वो काफी परेशान चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस आरोपी सुमित कुमार की तलाश में जुटी है। गार्ड बोलता है कि 3 बजे यहाँ से गया है। हमारा तो खुद नहीं, क्योंकि वीडियो डाला है उसने, खुद कबूल करी वीडियो डाला है और अंदर से लॉक, वो बाहर से लॉक करके गया है और आपस में झगड़ा भी हुआ है। पति ने अपने परिवार के सामने ये कन्फेशन किया था कि कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और संभवतः आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया और उसने खुद भी सुसाइड करने की बात कही है। हम उसके उसको भी चेक करने के लिए अभी हमारी टीमें निकल गई हैं, वो पता लगा रहे हैं। गाजियाबाद के ज्ञानखंड 4 में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से 3 मासूम हैं, जिनमें 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। दरअसल रविवार की शाम को 4 से 5 बजे के आसपास घर के मुखिया सुमित ने अपने साले को फ़ोन पर जानकारी दी कि उसने अपने 3 बच्चों और पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद आरोपी जो है सुमित यहाँ से फरार हो गया, क्योंकि उसने अपने साले को ये भी बताया कि वो भी खुदकुशी करने के लिए यहाँ से निकल रहा है। और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल उनके ही साले ने किया, जिसके बाद पुलिस इस फ्लैट पर पहुँची। 175B SF फ्लैट नंबर पर पहुँचने के बाद पुलिस ने देखा कि घर के अंदर 4ों की लाश पड़ी है और रक्तरंजित लाश को देखने के बाद पुलिस ने आसपास की चीज़ें खंगाली, क्योंकि जो उनके साले ने जानकारी दी थी कि उनके जीजा जो आरोपी सुमित है, जिसने अपना खुद कबूला कि उसने ही अपने परिवार के 3 बच्चों और उनकी पत्नी अंशु बाला की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस अब जाँच कर रही है, क्योंकि अभी तक सुमित का भी कुछ नहीं पता लग पाया, क्योंकि पुलिस उसके जो मोबाइल फ़ोन है उसकी डिटेल्स को खंगाल कर और उसकी लोकेशन को तय मानकर इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लेकिन उनके साले ने यह भी बताया है कि जो सुमित हैं वो कुछ समय पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुका था और उसके बाद से ही परेशान था। आर्थिक रूप से तंगी भी परिवार में थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सामने नहीं आ पाई थी, क्योंकि पड़ोसियों के मुताबिक किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जो सुमित है वो काफ़ी समय से परेशान था और कुछ नशे की चीज़ें भी लेने के रूप में उसे देखा गया था। तो कुल मिला के पुलिस जो है इन सभी को एंगल मानकर यहाँ पर जांच कर रही है, क्योंकि वजह अभी तक सिर्फ यही आई है कि वो आर्थिक रूप से परेशान था और अपनी नौकरी छूटने की वजह से वो नशे की लत अपने ऊपर लगा चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी सुमित की तलाश कर रही है। कैमरामैन ईश्वर के साथ दीपक बिस्ट, News18 India, गाजियाबाद। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन आज अपना नामांकन भरेंगे। हर्षवर्धन ने नामांकन से पहले पूजा पाठ किया और वो फिर रोड शो कर रहे हैं। चांदनी चौक से हर्षवर्धन के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया। डॉक्टर साहब, क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए बीजेपी? यार भैया, अभी तो बताया है, मुद्दा है सारे लोगों का, मुद्दा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके कामों को सलाम कर रहे हैं लोग, जो है इतने ऐतिहासिक काम किए उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और करोड़ों की तादाद में उनके बेनिफिशियरी हैं सारे देश के अंदर। भैया तो मुद्दा तो लोगों के लिए, मोदी जी हमारे से ज़्यादा लोगों का मुद्दा है आज की, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चाहते हैं लोग जो है। भैया आपकी मुकाबला किससे मान रहे हैं आप दिल्ली में? मुकाबला किससे मान रहे हैं? किसी से कोई मुकाबला नहीं है, अकेले अकेले लड़ना है, अकेले अकेले लड़ने, दोनों ने मिलके लड़ना है, मिलके लड़ने, छुपके मिलके लड़ना है, छुपके मिलके लड़ने, 7ों सीटों पे हराएंगे इनको। व्यापारियों की बहुलता है, आखिरी सवाल है, व्यापारियों की बहुलता के लिए, व्यापारियों के लिए तो इतना कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया, अभी सारे देश को बताया है भैया, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो पेंशन जैसी चीज भी शुरू कर दी जो है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस उनके लिए शुरू कर दिया, GST का इतना सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दिया, इतना कुछ व्यापारियों के लिए किया प्रधानमंत्री ने, शायद किसी ने आज तक नहीं किया। चलिए तो ये मानना है डॉक्टर हर्षवर्धन का कि व्यापारियों के लिए बहुत किया है इस बार सरकार ने, देखना होगा कि इस मुद्दे पर कितना वोट मांगते और कितनी जनता जो है डॉक्टर हर्षवर्धन या बीजेपी का साथ देती है चांदनी चौक से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाकर और जनेव दिखाकर हिंदू होने का ढोंग करते हैं, और जब उत्तर प्रदेश के बाहर
केरल जाते हैं तो हरा झंडा और चांद सितारे लेकर लोगों से नैया पार कराने की गुहार लगाते हैं। तो यहाँ पर मंदिर मंदिर जा करके अपने को जनाधिकार करके हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बाहर केरल में जाते हैं तो वहां पर हरा झंडा चांद सितारे का झंडा लेकर के अपनी नैया पार लगाने के लिए गुहार लगाते हुए दिखाई देते हैं। मुंबई के पास भिवंडी में एक ब्रश कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग में कंपनी के अंदर भारी तादाद में रखा तेल, साबुन, ब्रश और पेंट जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया।